अगस्त 2019 से शुरू होने वाले वेस्ट इंडीज टूर के साथ ही उस बड़े मैच से डेब्यू होगा दो बॉलर्स का, नवदीप सैनी और राहुल चहर। ये दोनों बॉलर्स पहली बार इंडिया के लिए इंटरनेशनली खेलने जाएंगे और T20 के जरिए इनका इंटरनेशनल डेब्यू होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। चलिए आपको वो रीजंस बताती हूँ जिनकी वजह से इन दो डेब्यूटांट से थोड़ा सा बच के रहना होगा वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को। शुरुआत करते हैं नवदीप सैनी के साथ में। यंग बॉलर हैं और अभी तक दिल्ली की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन नवदीप सैनी के पास वो एक हुनर है जो शायद इंडियन टीम में बॉलिंग अटैक में और किसी के पास नहीं है। मैं बात कर रही हूँ 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कंसिस्टेंटली बॉलिंग करने की। नवदीप ऐसे एक बॉलर हैं जो इतनी अच्छी स्पीड के साथ लगातार बॉल डाल सकते हैं, यानी कह सकते हैं 6 बॉल्स के एक ओवर में 5 बॉल वो कम से कम 150 किलोमीटर पर आर की बॉल से डाल सकते हैं, जो कि डेफिनेटली इंडियन बॉलिंग अटैक में ना तो किसी के पास है और बहुत ही फायदेमंद होगा आगे जाके टीम इंडिया के लिए अगर इस तरीके का एक पेसर इंडिया को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत इस वेस्ट इंडीज टूर के साथ होने जा रही है। इसके अलावा अभी तक जो नवदीप सैनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आए हैं, दिल्ली की टीम की तरफ से खेलते आए हैं, उसमें भी इनकी बहुत अच्छी फिगर्स नहीं हैं। 2017-18 रणजी ट्रॉफी में इन्होंने दिल्ली के लिए खेलते हुए 8 मैचेस में 34 विकेट लिए थे। वहीं पर इन्होंने जाहिर कर दिया था, ये सबको दिखा दिया था कि ये किस लेवल के बॉलर साबित होंगे, जिसकी वजह से अब उन्हें टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका मिला है, फाइनली ब्लू जर्सी पहनते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, आईपीएल 2019 में भी नवदीप सैनी बहुत अच्छा साबित हुए, खासकर आरसीबी की टीम की तरफ से। भले ही टीम ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, लेकिन नवदीप सैनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। 11 विकेट उन्होंने लिए टोटल पूरे मैचेस में आरसीबी की तरफ से खेले, और ये भी दर्शाता है आईपीएल में खेलते हुए कि नवदीप सैनी को 20 ओवर फॉर्मेट की कितनी समझ है, कितना वो बेहतर खेल पाएंगे या किन चीज़ों पे उन्हें वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। एंड साथ ही में आरसीबी में खेलते हुए विराट कोहली की कैप्टनसी में उन्होंने खेला है, तो अब जब टीम इंडिया की तरफ से खेलने जाएंगे, फिर से विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलेंगे, तो भी उन्हें वो सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सी चीज़ों पे उन्हें वर्क करना है, कौन सी चीज़ें सुधारनी है और कौन सी चीज़ें उनके लिए बेहतर साबित होंगी। इसके अलावा अगर नवदीप सैनी की जर्नी भी देखी जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत रही है। बहुत ज़्यादा उनके पास प्रिविलेजेस नहीं थी जब वो बतौर बॉलर अपना करियर शुरू करना चाह रहे थे, जब क्रिकेट की वो प्रैक्टिस किया करते थे। 2013 तक उन्होंने टेनिस बॉल के ज़रिए क्रिकेट प्रैक्टिस की है, और हरियाणा में करनाल के रहने वाले हैं नवदीप सैनी। वहीं पर जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे उसमें हर मैच का 200 रुपये उन्हें मिला करता था, और टेनिस बॉल क्रिकेट वो खेला करते थे। उसके बाद से धीरे धीरे जिस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ी है, वो अपनी जर्नी के लिए गौतम गंभीर को भी बहुत ज़्यादा थैंक करते हैं, क्योंकि गंभीर की वजह से ही उन्हें दिल्ली की डोमेस्टिक टीम में हिस्सा बनने का मौका मिला। और गंभीर ने उनके लिए सिलेक्टर्स से लड़ाई तक की, क्योंकि वो दिल्ली के हैं नहीं, हरियाणा के थे। उसके बाद भी गंभीर ने उनका टैलेंट पहचाना और उनके लिए लड़ाई लड़ी, और उसके बाद उन्हें दिल्ली की टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। एंड देन नवदीप सैनी प्रूव्ड हिमसेल्फ कि क्यों वो दिल्ली की टीम में और अब इंडिया की टीम में जगह डिजर्व करते हैं। इंडिया ए के लिए भी बहुत अच्छा खेलते आए हैं नवदीप सैनी, बहुत ही उम्दा बॉलर साबित हुए हैं अभी तक। तो डेफिनेटली अब जब वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उतरने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत होगी ऑपोजिशन को। इनफैक्ट क्योंकि T20 और ODI दोनों में उनका सिलेक्शन हुआ है, और इस फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के अभी तक सबसे बेस्ट पेसर हैं वो नहीं खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली अब नवदीप सैनी के पास भी मौका होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन करें और टीम में अपनी एक परमानेंट जगह बना सकें। इसके अलावा दूसरे जो बॉलर हैं जिन पे अगेन टीम की भी नज़र रहेगी और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, वो है राहुल चहर। राहुल चहर भी पहली बार इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल के। सिर्फ T20 के स्क्वाड में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो 3 अगस्त को होपफुली ये प्लेइंग 11 में नज़र आएंगे। लेग स्पिनर हैं राहुल चहर, और
आजकल इस टीम में भी एक लेग स्पिनर की कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी ज्यादा जरूरत है, ये हम सब जानते हैं, ये हमने देखा है। ऐसे में राहुल चहर की ये क्वालिटी डेफिनेटली उनके फेवर में ही काम करेगी। और क्योंकि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल नहीं होंगे टीम में, तो फिर उनके पास और मौका रहेगा। अगर उनको मौके दिए जाते हैं खेलने के, तो फिर उनके पास एक चांस होगा खुद को उस लेवल पे साबित करने का कि क्यों वो टीम में रहना डिजर्व करते हैं। तो डेफिनेटली एक लेग स्पिनर के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। इनफैक्ट मिडल ओवर्स में और पावर प्लेज में, दोनों में ही राहुल चहर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो T20 में भी वो अपने आप को शायद साबित कर पाएंगे कि अभी उनका सिलेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है और क्यों वेस्ट इंडीज टूर उनके लिए सही रहेगा। उनका इकॉनमी रेट IPL 2019 में भी बहुत अच्छा रहा। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले IPL 2019 और अपनी टीम के लिए एक क्रूशियल बॉलर के रूप में सामने आए। वो टूर्नामेंट भी मुंबई इंडियंस ने जीता, एंड डेफिनेटली राहुल चहर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें देखा जा सकता है। पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 13 विकेट लिए हैं राहुल चहर ने, तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन भी टीम में और स्ट्रांग हुई है। एंड द गुड थिंग इज़ कि जब टेल एंडर्स की हम बात करते हैं, बैटिंग की हम जब बात करते हैं लोअर ऑर्डर की, तो राहुल चहर एक और अच्छे ऑप्शन के तौर पे नज़र आते हैं। उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी बेहतर ही कही जाएगी, खासकर कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल के मुकाबले अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में एक बैटिंग ऑप्शन के रूप में भी राहुल चहर नज़र आते हैं। इनका डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत अच्छा रहा है। विजय हजारे 2019 ट्रॉफी में ये लीडिंग विकेट टेकर थे राजस्थान की टीम की तरफ से, तो इनसे अब इस T20 में भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अपनी टीम के लिए एक स्टैंड आउट बॉलर के रूप में साबित हों। और इनफैक्ट सिर्फ राहुल चहर ही नहीं, इनके जो भाई हैं दीपक चहर, वो भी इस स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि दीपक चहर का ये डेब्यू नहीं है, इससे पहले वो एक ODI और एक T20 खेल चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि ये सिर्फ इनका दूसरा मैच है, दूसरा टूर है, तो कह सकते हैं कि डेब्यू जितना ही करीब है दीपक चहर के लिए भी, तो उनके लिए भी एक मौका होगा कि अपने आप को और बेहतर साबित कर पाएँ, जो पिछली कुछ गलतियां की होंगी उनसे कुछ सीख पाएँ और इसी तरह से आगे भी टीम का हिस्सा बने रहें। लेकिन नवदीप सैनी और राहुल चहर, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं जो इंडिया की तरफ से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के टूर पर, तो डेफिनेटली हमारी गुड विशेस तो इनके साथ हैं ही, लेकिन साथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं दोनों बॉलर्स से, एंड लेट्स सी कि ये हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पे कितना खरे उतर पाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, नवदीप सैनी या राहुल चहर में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा इस T20 मैच में, और देखते रहिए रूटर।